वेलकम टू ड्रीम के बी सी जीके दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम के जीके यूट्यूब चैनल पे दोस्तों दोस्तों आप सब लोग कैसे हो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होगे स्वस्थ हो गए दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर एक जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2023 तक के पूरे पचास फिफ्टी करंट अफेयर के 2023 के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हूँ हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है नॉलेजेबल लगता है हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम के बी सी जिक के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी इसको वीडियो अंत तक देखिए अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना क्वेश्चन नंबर वन विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है तो 21 जून को हर वर्ष विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है और हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस विश्व योग दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है क्वेश्चन नंबर टू समलैंगिक विवाह को वेद करने वाला हाल ही में पहला बाल्टिक देश कौन सा बना है तो इसका उत्तर है एस्टोनिया बना है समलैंगिक विवाह को वेद करने वाला हाल ही में पहला बाल्टिक देश क्वेश्चन नंबर थ्री हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं तो इसका उत्तर है एस जानकी रमन बने हैं हाल ही में आर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर एस जानकी रमन बने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में चार डिप्टी गवर्नर होते हैं वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है क्वेश्चन नंबर फोर किस देश ने हाल ही में यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है किस देश ने हाल ही में यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया गया है तो इसका उत्तर जर्मनी में किया गया है क्वेश्चन नंबर फाइव स्टार्टअप इको सिस्टम वैश्विक सूची हाल ही में जारी में कौन शीर्ष पर रहा है हाल ही में जारी स्टार्टअप इको सिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष शीर्ष पर रहा है तो इसका उत्तर सिलिकॉन वैली शीर्ष पर रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स हाल ही में ई द्वारा जारी ग्लोबल बेलिलिटी इंडेक्स लेबेलिटिलिटी इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है तो इसका उत्तर है वियना शहर शीर्ष पर रहा है क्वेश्चन नंबर सेवन हाल ही में गिफ्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में किसे नामित किया गया है तो इसका उत्तर है हसमुख अडिया को नामित किया गया है गिफ्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में क्वेश्चन नंबर एट हाल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है तो इसका उत्तर नई दिल्ली में हुआ है उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन क्वेश्चन नंबर नाइन किस राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में पिठल रुक्मणी वारकरी बीमा छात्रा योजना शुरू की की गई है तो इसका उत्तर महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा की गई है क्वेश्चन नंबर टेन फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ़ द ऑनर से सम्मानित हुए तो कौन सम्मानित सम्मानित हुए तो पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल सम्मानित हुए हैं फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से क्वेश्चन नंबर इलेवन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस रॉकेट से तीसरे चंद्र मिशन चंद्रायन थ्री का प्रक्षेपण किया है हाल ही में चौदह जुलाई को तो इसका उत्तर है एल वी एम थ्री एम फोर रॉकेट का हाल ही में सफल प्रक्षेपण किया है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हाल ही में विश्व कप जीतने पर महिला और पुरुष टीमों को मिलेगी सम, आ, सम्मान राशि किसने घोषणा किया है कि है तो इसका उत्तर अंतर है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आई ने घोषणा की है महिला और पुरुष दोनों को समान राशि मिलेगी ऐसी घोषणा की है क्वेश्चन नंबर थर्टीन नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष नियुक्त किए तो किसे नियुक्त किया गया है तो इसका उत्तरा हर्षवर्धन बंसल को नियुक्त किया गया है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अपने पहले टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाले तीसरे भारतीय ओपनर बने हैं तो कौन बने हैं तो इसका उत्तरा यशस्वी जायसवाल बने हैं अपने पहले टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाले तीसरे भारतीय ओपनर बने हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हाल ही में बाईजूस ने किसे इंटरनेशनल बिजनेस का सीईओ नियुक्त किया है हाल ही में बाईजूस ने किसे इंटरनेशनल बिजनेस का सीईओ नियुक्त किया है तो इसका उत्तर है अर्जुन मोहन को नियुक्त किया है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन मेजर लीग क्रिकेट मेजर लीग क्रिकेट दो का आयोजन किस देश में किया जा रहा है तो इसका उत्तर है अमेरिका में किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 जीता है हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 जीता है तो इसका उत्तर है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने जीता है गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 तो किसने जीता है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने क्वेश्चन नंबर एटीन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आई आई टी एम के निदेशक वी काम कोटी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो इसका उत्तर सर जे सी मतलब जगदीश चंद्र बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो किसे सम्मानित किया गया है तो आईआईटी मद्रास के निदेशक वी काम कोटी को क्वेश्चन नंबर नाइनटीन मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना किस राज्य से जुड़ी है तो इसका उत्तर उत्तर प्रदेश से जुड़ी है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वेरी वेरी इंपॉर्ट क्वेश्चन ये आई पी एल दो हजार तेईस में किस टीम को फेयर प्ले अवार्ड से सम्मानित किया गया है आई पी एल दो हजार तेईस में किस टीम को फेयर प्ले अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो इसका उत्तर है दिल्ली कैपिटल टीम को फेयर प्ले अवार्ड से सम्मानित किया गया है आई पी एल दो हजार तेईस में अगला क्वेश्चन डी आर डी ओ की मिसाइलों और रणनीतिक प्रणालियों के महानिदेशक नियुक्त हुए तो कौन नियुक्त हुए तो इसका उत्तर है राजा बाबू नियुक्त हुए हुए है डीआरडीओ की मिसाइलों और रणनीतिक प्रणालियों के महानिदेशक चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू आई एम शक्ति उड़ान योजना आई एम शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है तो इसका उत्तर है राजस्थान राज्य से जुड़ी हुई है आई एम शक्ति उड़ान योजना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विश्व साइकिल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है तो इसका उत्तर है तीन जून को मनाया जाता है हर वर्ष विश्व साइकिल दिवस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर टेस्ट क्रिकेट में अपने ग्यारह हज़ार रन पूरा पूरा पूरे करने वाले इंग्लैंड के दूसरे बल्लेबाज खिलाड़ी कौन बने हैं तो इसका उत्तर है उड़ बने हैं टेस्ट क्रिकेट में अपने ग्यारह हज़ार रन पूरे करने वाले इंग्लैंड के दूसरे बल्लेबाज चलते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है तो इसका उत्तर है हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क दो में पहला स्थान हासिल किया है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान किसने हासिल किया है तो इसका उत्तर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज ने हासिल किया है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में क्वेश्चन नंबर 27 सेवन भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर नियुक्त हुई है तो कौन नियुक्त हुई है भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर तो इसका उत्तर है कर्नल सुचिता शेखर तो कर्नल सुचिता शेखर जब पहला होता है उसमें भी महिला पहली होती है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है तो भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर कर्नल सुचिता शेखर ये नाम आपको याद रखना है ये आपकी एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट सूरी नाम के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित हुए हैं तो कौन सम्मानित हुए हैं तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित हुए है श्री नाम देश के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल किस देश में खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट किस देश में खेला गया है तो इसका उत्तर है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था जो 7 जून को इंग्लैंड में खेला गया था इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता विजेता हुआ था क्वेश्चन नंबर थर्टी ईरानी कप दो हजार विजेता टीम कौन सी रही है ईरानी कप 2022 23 की विजेता टीम कौन सी रही है तो इसका उत्तर रेस्ट ऑफ इंडिया जिसे शेष भारत कह है, कहते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया जीती है ईरानी कप 2022 23 का खिताब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्टी वन हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को विजेन अल्बनेक का प्रमुख टी ट्वेंटी क्रिकेटर चुना गया है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को जडेन अल्मनेक का प्रमुख टी ट्वेंटी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया है तो इसका उत्तर है सूर्य कुमार यादव को चुना गया है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू वुमेन्स वुमेन्स प्रीमियर लीग डब्ल्यू पी एल दो हजार तेईस का विजेता कौन सी टीम रही है वुमेन्स प्री, प्रीमियम जैसे आई पी एल है वैसे ही डब्ल्यू पी एल दो हजार तेईस का विजेता कौन सी टीम रही है तो इसका उत्तर है मुंबई इंडियंस टीम रही है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आई सी महिला अंडर नाइन्टीन वर्ल्ड कप दो हज़ार तेईस का खिताब किसने जीता है आईसीसी महिला अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप दो हजार तेईस का खिताब किसने जीता है तो इसका उत्तर है भारत ने जीता है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर इंग्लैंड टीम के पूर्व कप्तान जिन्होंने फरवरी दो हज़ार तेईस में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है इंग्लैंड के टीम के पूर्व कप्तान कौन है जिन्होंने दो हजार तेईस में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है तो ईन मॉर्गन ऑइन मॉर्गन ने की है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव चौबीस अप्रैल दो हजार तेईस को किस देश में स्थित शाहजहाँ क्रिकेट स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर स्टैंड का अनावरण किया गया है चौबीस अप्रैल दो हजार तेईस को किस देश में स्थित शाहजहाँ क्रिकेट स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर स्टैंड का अनावरण किया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात तो शाहजहाँ क्रिकेट स्टेडियम संयुक्त अरब अमीरात में है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स हाल ही में विजडेन के वर्ष के पांच क्रिकेटरों में किस भारतीय क्रिकेटर क्रिकेटर को शामिल किया गया है हाल ही में विजडन के वर्ष के पांच सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है तो इसका उत्तर है हरमनप्रीत कौर को शामिल किया गया है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली में स्टेडियम खोला गया है तो हाल ही में किस हॉकी हो, खिलाड़ी के के नाम पर राय बरेली में स्टेडियम खोला गया है तो इसका उत्तर है रानी रामपाल के नाम पर राय बरेली में स्टेडियम खोला गया है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मार्च दो हजार तेईस में हॉकी इंडिया ने किसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच नियुक्त किया है मार्च दो हजार तेईस में हॉकी इंडिया ने किसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच नियुक्त किया है तो इसका उत्तर है क्रेग फुलटन तो क्रेग फुलटन है भारतीय हॉकी टीम के हेड कोच क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन है तो इसका उत्तर है जर्मनी है उपविजेता बेल्जियम है याद रखना है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन है तो जर्मनी बना है और उपविजेता बेल्जियम है क्वेश्चन नंबर फोर्टी इंडिया ओपन बैडमिंटन 2023 इंडिया ओपन बैंड बैडमिंटन 2023 का किताब पुरुष व महिलाओं में किसने जीता है तो इसका उत्तर है पुरुष में कुंडलावुत जो थाईलैंड से है और महिला में आन सी यंग जो दक्षिण कोरिया ने जीता है इंडिया ओपन बैडमिंटन 2023 का किताब याद रखना है ये क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रांड फिक्स फॉर्मूला वन रेस का खिताब किसने जीता है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं तो या आप उन क्वेश्चन का नोट्स बना सकते हो जब भी एग्ज़ाम आए वो नोट्स एक बार पढ़ लीजिए तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा तो यहाँ पे साथ में अगर क्वेश्चन लिखते भी जाएंगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा अगर कोई आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नोट्स बना दीजिए और जब भी आप कुछ भी पढ़ते हो उसमें जो कुछ आपको जल्दी से याद नहीं रहता है तो एक बार आप लिख देते हो और ए, और, बार बार उसको रिपीट करते रहते हो तो आपको अच्छे से याद रह जाता है तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स फॉर्मूला वन रेस का किताब किसने जीता है इंपॉर्ट क्वेश्चन ये है तो इसका उत्तर है मैक्स वर्स्ट पेन मैक्स वर्स्ट पेन ने जीता है रेड बुल टीम ने जीता है हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स फॉर्मूला वन रेस का खिताब क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू किस भारतीय जिम्नास्ट पर डॉप टेस्ट में फेल होने के कारण इक्कीस महीनों का प्रतिबंध लगा दिया गया है तो इसका उत्तर दीपा कर्माकर जो एक जिम्नास्ट है भारतीय उनको डॉप टेस्ट में फेल होने के कारण इक्कीस महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है दीपा कर्माकर पर क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू हाल ही में फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है हाल ही में फिनलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर किसे चुना गया है तो इसका उतरे पैटेरी ऑर्पो पेटेरी और को हाल ही में फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री हाल ही में किस देश ने अपने विश्वविद्यालय में होली पर प्रतिबंध लगाया है ऐसा कौन कर सकता है तो पाकिस्तान ने हाल ही में विश्वविद्यालय में होली पर प्रतिबंध लगाया है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर हाल ही में भारत ने किस देश को कार्बेट आई एन एस कृपाण उपहार में दिया है हाल ही में भारत ने किस देश, देश को कार्बेट आई एन एस कृपाण उपहार में दिया है तो इसका उत्तर है वियतनाम देश को हार में उपहार में दिया है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है तो इसका उत्तर है बिहार में शुरू हुआ है हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है तो इसका उत्तर रिलायंस बनी है हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है तो इसका उत्तर रैया बरनावी रैया बरनामी पहला होता है उसमें महिला होता है पहला तो इम्पोर्ट हो जाता है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है रैया ना बरनावी बनी है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट आई के इतिहास में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं तो इसका उतरे विराट कोहली बने हैं आई के इतिहास में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज क्वेश्चन नंबर फोर्टी जेवलिन थ्रो की रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक एथलीट कौन बने हैं तो इसका उतरे नीरज चोपड़ा बने हैं जो जेवलिन थ्रो की रैंकिंग में दुनिया के नंबर वन एथलीट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सौ घंटे में सौ किलोमीटर सड़क बनाना दुनिया का पहला देश कौन सा बना है जिसने सौ घंटे में सौ किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है तो भारत ने ये रिकॉर्ड किया है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन आर 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 फिल्म में विलेन की भूमिका निभाने वाले किस अभिनेता का अट्ठावन साल की उम्र में निधन हो गया है इसका उत्तर है रे टिवेंसन तो रे टिवेंसन का हाल ही में आर आर फिल्म में जिन्होंने विलन की भूमिका भूमिका निभाई थी उनका हाल ही में अट्ठावन साल की उम्र में निधन हो गया है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू वर्ल्ड ऑफ स्टेट वर्ल्ड ऑफ स्टेटिक के अनुसार सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन होता है तो किस देश में होता है तो इसका उत्तर पहला स्थान चीन में फिफ्टी थ्री पॉइंट नाइन प्रतिशत होता है और दूसरा स्थान भारत सिक्स पॉइंट सिक्स प्रतिशत होता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू दुनिया की मोस्ट इनोवेटिव पचास कंपनियों की लिस्ट में पहली भारतीय कंपनी टाटा ग्रुप कौन सा स्थान मिला है दुनिया की मोस्ट इनोवेटिव पचास कंपनियों की लिस्ट में पहली भारतीय कंपनी टाटा ग्रुप कौन से स्थान पर है तो इसका उत्तर बीसवें स्थान पर है तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो नॉलेजेबल लगा हो आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम के बी सी जिक के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो दोस्तों हमारी ड्रीम के बी सी जी के का फेसबुक पेज भी है आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा है, लगते हैं नॉलेजेबल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम